पहले ही बजौर के करीब इनकी कैप्टन अली महमूद की शहादत हुई है। कड़ियल जवान थे आप, 25 साल के, 5 दिनों में 25 साल के होने वाले थे। ये पहली ईद है इस ख़ानदान की, इनसे बात करते हैं। आंटी आपकी पहली ईद है अब? मेरी पहली ईद है, मेरा बेटा अब जहाँ भी होता था ईद पे मेरे पास ज़रूर आया करता था। और पिछले सेकंड लास्ट ईद में वो कोटा था तो वहाँ से बाई टिकट नहीं मिली, लेकिन वो वैगनों के ज़रिए अपने 8-10 साथी को लेके आया। सारे साथी कह रहे थे आंटी आज हम आपके बेटे की वजह से इधर पहुंच गए, इसने बड़ी बहादुरी से वैगनों के जरिए हमें हौसला दिया और लेकर आया, लेकिन इसी पे मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे बेटे चारों जब ईद की नमाज पढ़ते आते थे तो चारों का होता था कि पहले अम्मी के कौन गले मिलेगा, तो मेरा माशाल्लाह ये बेटा सबसे तेज और बहादुर था, सबसे पहले मेरे आके गले मिला करता था। हर ईद पर वो हमारे साथ होता था, कहीं पर भी हो, एक दिन के लिए आए, आधे दिन के लिए आए, मगर ईद पे हमारे साथ होता था। और अब भी जिस्म तो नहीं है मगर उसकी रूह हमारे साथ ज़रूर होगी, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, ज़िंदा होता है। 8NLI में था तो एक दफ़ा हम लोग सियालकोट जाते हैं तो शहीद कारगिल के शहीदों के नाम लिखे होते हैं। 8NLI ने क्योंकि हिस्सा लिया था उस जंग में, तो मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि अबू ये सब शहीदों के नाम है जिन्होंने कारगिल में लड़ाई लड़ी थी, तो आपके बच्चे का भी ना इधर नाम लिखा होगा। उसका यही था कि बेसिकली ना वो यही चाहता था कि जी मेरा कोई ऐसा मिशन करूँ कि जो पीछे रहने वाले लोग जनों से याद करें। और वाकई शादी के बाद इंसान डरपोक हो जाता है, क्यों? अमीर लोग मोबाइल पे बातें करते हैं, मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसे नहीं करना अपने आप को मिशन, वो उसका बहुत ज़्यादा मेरा फोकस ना खराब हो। और उसने कभी किसी बच्ची लड़की से बात तक नहीं कभी करता था। मेरा ना भाई जाहिर उसकी अच्छी इनकम है, तो हमेशा कहता था अम्मी आप बड़ा भाई आपके लिए बहुत कुछ करता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आर्मी वालों की तो पेट नहीं इतनी होती। और बड़ा भाई कहते हैं अम्मी वो आपके लिए इतना कुछ कर गया है, आपको इतना अच्छा दर्जा दे के एक चीज की मांग। मेरा बच्चा के जब शहादत होती, उससे 15 दिन पहले बात की थी उसने मेरे से, तो उसके अल्फाज थे कि अबू दुआ करें पाकिस्तान सलामत रह जाए, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल में हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान सलामत रहे। अल्लाह ताला से दुआ करें उस ईद वाले दिन स्पेशली, कि जिस दिन हम लोग नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। अगर ये मुल्क सलामत है तो हम लोग सलामत हैं। बच्चों की कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सबकी मांग को सबर दे, सबर कहना आसान करना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार। हमारे नन्हे से फौजी लेफ्टिनेंट फराज मलिक शहीद, जनूबी वजीरस्तान में ऑपरेशन राह निजात के दौरान उन्होंने अपनी शहादत दी। उनके ख़ानदान के साथ मैं मौजूद हूँ, मगर मैं नन्हे फौजी इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी सी उम्र में इनको शौक़ था और इनने अपना फ़ैसला कर लिया था कि मैं पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनना है। अंकल मुझे ज़रा से इनके बचपने के बारे में बताएँ।
बचपन में ये शुरू से ही इसका शौक यही था कि फौज में जाना है, और इसके जो खेल थे वो भी इसी तरह के थे, इसी के साथ ओरिएंटेड थे। मसलन बचपन में ये कुछ एक गेम होती थी जिसमें सोल्जर्स बने होते थे, टैंक बने होते थे, गाड़ियां बनी होती थी, वो बड़ा एक पूरा उसका वो बैग होता था, उसमें ये सारे खेलते होते थे, वो ले आता ले आया था, ला के फिर उनको दोनों साइडों पे आर्मी को खड़ा करता था और उनको मूव करवाता था और पूरी उनकी लड़ाई करवाता था, टैंक्स मूव करने, गाड़ियां मूव करनी, फौजियों को मूव कराना, और वो उनका वो उस तरीके से वो करता था। मतलब खेल सारे उसके थे ही इसी आर्मी ओरिएंटेड। अभी एक बच्चे ने इसकी शहादत के बाद उस बच्चे ने रिवील किया है, 8वीं क्लास में जब ये पहली दफ़ा मिलिट्री कॉलेज में जब गए हैं तो वो बच्चा बताता है कि रात को हम सोए हुए थे तो ये चारपाई से गिर गया और इससे मुझे आवाज़ें देनी शुरू कर दी कि उठो उठो उठो। मैं उठा, मैंने कहा यार क्या शोर मचाया हुआ, क्या हो गया? कहता है मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं शहीद हो गया हूँ और परवेज़ मुशर्रफ मुझे सल्यूट कर रहे हैं। 8.5 साल बाद आपका आपकी पहली औलाद हुई जी। 8 साल और 8 साल और 5 दिन आंटी जी। इतना इंतज़ार बस अल्लाह से बड़ी दुआएं करते थे, बस दुनिया बदल गई, इसके साथ ही लग गए, घर में रोन के लग गई, अल्लाह ने अल्लाह की मानत थी। आपको कैसे पता लगा, कैसे खबर आई? बस जब खबर आई तो मुझे नहीं बताया, मुझे यही बताया कि जख्मी हो गया। शहादत हो गई है ना, 4:15 बजे शहादत हुई है, तो इधर आर्मी सर्कल्स में तो पता चल गया था। दे डिडंट वांट टू टेल अस, उनका यही ख्याल था कि अभी चूंकि जस्ते खाकी तो नेक्स्ट डे शाम तक पहुंच सकता था, वो हमें नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन जो इसके बच्चे क्लास फेलो थे मिलिट्री कॉलेज वाले, वो रात को 9:30-10 बजे मैं नमाज पढ़ रहा था तो सलमान बैठा हुआ था, ये इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, ये लेट गए थे, तो वो बच्चों ने रिंग करना शुरू किया। पहले एक बच्चे ने रिंग किया, सलमान से बात हुई, उसने बस हाल पूछ के तो बंद कर दिया। उसके कुछ 2-3 मिनट के बाद उसने फिर रिंग किया, ही वॉन्टेड टू टेल अस बट ही डिडंट पिक अप द करेज, डिडंट पिक अप द करेज। फिर एक और बच्चे ने रिंग किया, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे तजस्सुस हुआ कि ये क्यों इस तरह बच्चे बार बार रिंग कर रहे हैं और बात भी कोई नहीं कर रहे। फिर मैं इतनी देर में नमाज सलाम फेर दिया तो एक और बच्चा है अली, पापा उसको कहते हैं, इसका मिलिट्री कॉलेज का बैचमेट है, उसने रिंग किया तो मैंने सलमान को आवाज़ दी, मैंने कहा वो मेरे पास ले आओ हैंडसेट, मेरे पास ले आओ। वो मैंने जब उससे बात शुरू की, मैं बोला ही हूँ, तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, ही डिडंट से एनीथिंग, बस वो रोता गया। मुझे फिर शक पर कंफर्म हो गया। आंटी आपको शक भी नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल मुझे शक भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं फराज चला जाएगा, फराज नहीं जा सकता, दिल नहीं मानता था कि फराज नहीं जा सकता, मेरी जिंदगी था उसको देख देख के बस। बस उधर से ना मदीरस्तान से फ़ोन किया, फ़ोन रोज़ करता था, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ है ना, 18 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू हुआ था सरारोवा वाला, तब उसने कहा कि अम्मा जी अभी हम फ़ोन रोज़ नहीं कर सकूँगा मैं, क्योंकि हमारे मोबाइल अभी ना हम नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, तो मैं फ़ोन नहीं कर सकता, तो आप परेशान मत होइएगा। लेकिन परेशान तो मेरा दिल रहता था। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया, कहते आप क्या दुआ मांगते हैं? मैंने कहा मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आप खैरियत से आओ। कहते अम्मा जी नहीं, आप ये मांगा करें कि अल्लाह फराज बड़ी शान से आए। मेरी समझ में नहीं आई बात, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो मैं आगे से ना गुस्से से बोल पड़ी, तो फिर हंसने लग पड़ा। कहता नहीं अम्मा जी, शान से आना तो और बात होती है, इज्जत से आना और बात होती है। तो फिर मेरा एक कज़न या मेरा हमारा मेजर साहब है वो भी तो पिंडी में, तो उससे बात की तो उनको कहता है कि भाई अभी फैसला हो गया है, अभी कुदरत ने लिख दिया है कि अभी मतलब मेरी शहादत का ना अल्लाह ने लिख दिया, तो अभी फैसला हो गया। तो उसने भी कहा कि फराज देखो अपनी अम्मा को देख लो, तो कहते हैं कि भाई अम्मा पहले मेरे रास्ते में आती थी, अब नहीं है, अब फैसला हो गया,
ये हफ्ता पहले सबको उसने फोन कर दिया हफ्ता पहले। तो फिर 4 नवंबर का दिन आया, सुबह उठा, उसका बैटमैन आया ना उसकी शहादत के बाद, जो फौज की तरफ से उनको मिलते हैं जी, वो लड़का आया। फिर जब इधर शहादत के बाद हमारे घर आया, इधर मेरे पास आके बैठा, तो वो फिर सारी बातें बताए। कहते हैं जी 4 नवंबर को जब सुबह उठे हैं ना, तो मुझे कहते हैं आज नया वाला यूनिफॉर्म तैयार करो। मैंने नया वाला यूनिफॉर्म तैयार किया, उसको रैंक चेक लगाए, तो कहते हैं पानी गर्म करो, मैंने गुसल भी करना है। कहते हैं नहाए, फिर मैं नाश्ता ले आया मैस से। कहते तैयार हो के बाहर निकले, जी पे खड़ी थी गाड़ियाँ, तो इनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो कर्नल साहब इसको लेके नहीं जा रहे थे, ये वॉलंटियर करके गया ना। अच्छा, जो हर जगह वॉलंटियर किया है इसने। तो कहते हैं बाहर निकले हैं कर्नल फराज साहब, तो मैं सामने खड़ा था, तो बैटमैन, तो उसको इशारे से बुलाया कि इधर आओ हसन, बात सुनो। तो कहते हैं मैं पास गया हूँ, तो मुझे गले से लगा लिया अपने बैटमैन को ना, आजिज़ी बड़ी थी इसमें, अपने जवानों को गले से लगाता था, तो गले से लगा लिया। तो कहते हैं कि बस आज आखिरी मुलाकात है, अब आज के बाद मुलाकात नहीं होनी तेरी और मेरी। वो कहते हैं मैं रोने लग पड़ा, मैंने कहा साहब आप मुझे किधर छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो पल पल आपके साथ रहूं, हर जगह इकट्ठी हमने जंग लड़ी है। कहते हैं नहीं बस इतना ही साथ था आज, बस इतना। ताज्जुब है ना किस ताज्जुब देखें उसको, उसको अल्लाह ने बताया कि आज तुम्हारी शहादत है फराज। सलमान एक मैसेज भी उन्होंने भेजा था आपके वालिद को, मुझे दिखाएंगे वो मैसेज प्लीज। Only one purpose for which I wanted to be in Pakistan Army. This great band of soldiers is destined to achieve success and greatness for Islam and Pakistan in the way of goodness, light, and at last in the way to paradise. The people for such purposes are chosen from Allah. I congratulate you being the part of this army. Salute to Pakistan Army, salute to Pakistan, Pakistan Zindabad. Yes, uska message aaya tha shahadat se pehle. Sabse zyada aapko kab yaad aata hai? Ji wo to har pal मेरी सांस हर पल कहती हैं कि हमें अलविदा ना कहना, हमें दिल से ना बुलाना, हम पास हो ना हो हमें प्यार से बुलाना। उनका भी ये मैसेज है कि उन्हें याद रखा जा। खामोश रहो, मेरा भाई शहीद हो गया, इस वतन की मिट्टी के अंदर मेरे भाई का लहू शामिल हो गया है। I love you papa, I love you so much. ये वो जुमे का दिन है नाज़रीन के, जब हमारे भाई बेटे हमारे शौहर जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए, तो 5 दहशतगर्दों ने आके अपने आप को उड़ा लिया, और देखते ही देखते एक एक करके बहुत से घर हमेशा के लिए उजड़ गए। हमें सीध भी उनको नहीं भुला सकते, और हम एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हैं कि जिसमें बस अब एक माँ और बेटी रह गई है। पापा की फेवरेट थी, लाडली थी, सोते नहीं थे आपके बगैर। बगैर तो दूसरा लफ्ज है, आई यूज़ टू स्लीप ऑन हिज़ आर्म, उनके बाजू पे मैं सोती थी, उनकी किस से मैं फजर की नमाज के लिए उठती थी, मैं किसी अलार्म से नहीं उठती थी। मुझे नहीं पता था कि मोबाइल पे अपना इवन एट दैट एज कि अपना मोबाइल पे अलार्म किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि अलार्म की आवाज़ मेरे कानों तक आती ही नहीं थी। मुझे किस करके और अपने बाजुओं से, क्योंकि मैं इसी पोस्चर में फिक्स्ड हूँ, तो अपने बाजुओं से वो मुझे उठाते थे, वॉशरूम तक लेके जाते थे। सो इट्स अ वेरी यूनिक फादर डॉटर रिलेशनशिप, ये टू सी अ फादर लाइक हिम। अब मैंने अपने पापा की शहादत का पता खुद किया, विच वॉज अ मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने उनको ढूंढा खुद, और उसके बाद मैंने अपनी मदर को खुद बताया। सब चीज़ें मेरे लिए एक पहाड़ जैसी चीज़ें थीं कि ये मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी दादा वगैरह को बता रही हूँ, मैं अपने ननिहाल बता रही हूँ। दैट माई फादर इज़ नॉट मोर एनी, आई मीन इज़ नॉट देयर एनी मोर। मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा जाओ जाके ढूँढो, और इनमें मतलब बस लाइक कि डेथ लिस्ट में देख लो,
बिकॉज उनका पता नहीं चल रहा था. 35 मिनट्स वॉर विद देम विद द टेररिस्ट पीपल. और जो हमारे नमाजी थे वो निहत्ते थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे पॉइंट ब्लैंक पे जिनको मार दिया गया, जिनको मुर्तद कहा गया, जो हमारे शहीद थे. फादर इज अम्ब्रेला. आपके मेरे सर से तो एक दो लफ्ज कहूँगी. सर से छत चली गई, पैर से ज़मीन निकल गई. द फर्स्ट डे आई फाउंड माई सेल्फ अ क्रिपल एंड अ हैंडीकैप पर्सन. मैंने अपनी ज़िंदगी 30 years, उस वक्त 2 साल अब होने लगे हैं, 30 years ऑफ माई लाइफ नेवर फाउंड माई सेल्फ अ हैंडीकैप पर्सन. शुएब को इतनी जल्दी थी कभी भी लुजीना को द मिडल ऑफ दी रूम या कहीं ऐसे नहीं छोड़ते थे. हमेशा मेरे साथ हम दो हाथ थे. अभी मैं सिंगल हैंड रह गई हूँ. दो हाथ थे जो एकदम लुजीना के लिए उठते थे. तो वो मैं एकदम चेंज करके, क्योंकि मैं घर का काम भी हर चीज़ देखती थी, मैनेज करती थी, तो एक सेकंड के अंदर मैं विद इन नो टाइम, इन लोगों ने मेरा नाम स्ट्रेसेंड्रेला रखा हुआ था, शैब का मैंने नाम मार्शमीदस रखा था, मैं बताऊंगी अभी आपको. तो वो जब मैं गाड़ी से उतरी है ना, उन्होंने मेरा वेट ही नहीं किया. मैं लुजीना को, मैं कह लुजीना पापा किधर है, कहती है भी पापा पीछे है ना, ही वॉज नॉट देयर. मैंने जब देखा एकदम मेरी गिलासों पे नज़र पड़ी, मैंने कहा अपना तो भूल गई कि मैंने पानी नहीं पिया, ये लुजीना ने नहीं पिया. मैं शैब का पानी का गिलास लेके एकदम गई, मैं ठहरो बेटा मैं पापा को पानी दे हूँ. अंदर गई हूँ, लाउंज में आवाज़ें दी, शैब शैब ही वॉज नॉट देयर. अभी मैं मुड़ के अपने दरवाजे टेरेस तक पहुँची भी नहीं हूँ तो ब्लास्ट धमाका तो हुआ ना. फिर मैं इसको लेके जब उठी हूँ ना, मेरे यकीन माने कि मैं मौत से लेके दरवाजे तक नहीं पहुँची, दूसरा धमाका. और लुजीना जिसे मैं कैंडल विद केयर नहीं क्रिस्टल केयर, मेरे हाथों से झूठ गई. मैं समझती हूँ वो टाइम था जब शैब शहीद हुए. हम वो नहीं जो मसलहत के नाम पर जुबा और दस्तार बेचते हैं, हम वो जंगजू नहीं जो पेट की खातिर दीन और तलवार बेचते हैं. नाज़रीन, ये अपनी शहादत से कबल स्वात में ऑपरेशन राह रास्त के दौरान नजम रियाज राजा शहीद ने लिखा था. ये हमारे 26 साल के कैप्टन थे जिनको तालिबान ने हरासत में लिया. 24 दिन उन पे तशद्दुद भी किया, उनको हरासत में रखा, उन पे ज़ोर डालने की कोशिश की कि वो कोई ऐसा पैगाम वापस पाक फ़ौज को और पूरी पाकिस्तानी कौम को भेज दें जिससे हमारे हौसले पस्त हो जाएं. मेरा नाम लेफ्टिनेंट नजम है, जूनियर मेरे साथ बैठे हुए हैं. हम लोग खवासा के इलाके में आए हुए हैं. हमें यहाँ पे आए हुए कोई 22-25 दिन हो चुके हैं. मेरे पास अपना वॉलेट था, वो इनके पास मौजूद है. उसमें मेरा सर्विस आईडी कार्ड है, जो मेरा पाकिस्तान आर्मी पीए नंबर है वो 40763 है. मेरा आर्मी के ऑफिसर्स जितने थे, मेरा और अब्बू का रबता था. और कोशिश मेरी ये होती थी कि हर फ़ोन के पास मैं बैठी हुई थी कि मैं पहले अटेंड करूं, कोई किसी किस्म की सूरत हाल होती है, कुछ होती है. मेरे पेरेंट्स एकदम से, उनको कोई ऐसी शौक और कुछ इस तरह से ना हो. तो जब जिस वक्त भाई को उन्होंने मैसेज किया कि नजम हमारी हिरासत में है, तो आर्मी से कहो कि हमारे साथ मुजाहिदों को छोड़ दे, अगर वो नहीं आज़ाद करेंगे तो नजम को उनके साथियों की तरह ज़बह कर दिया जाएगा. नजम ने जब फ़ौज के साथ उनका कोई रबता हुआ था, जैसे टेलीफोन हमें करवाते थे तो उनकी उधर भी बात करवाते थे, तो उन्होंने कहा था कि बाकियों को तो इन्होंने मार दिया है, अब मैं बचा हूँ, तो मेरी अगर ज़िंदगी होगी तो मैं खुद निकल आऊँगा, लेकिन अगर मेरी जगह ये 7 लोगों को रिहा कर दिया गया और इनमें से अगर एक भी बच गया तो आप सोच लें कि सैकड़ों पाकिस्तानियों की मौत है. तो इसलिए मेरी अगर ज़िंदगी हुई तो मैं बच के आ जाऊँगा, और अगर मेरी ज़िंदगी ना हुई तो मुझे शहादत मंजूर है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना. वो ऐसी कैफियत थी कि मैं बयान नहीं कर सकती. मेरे
सारा जिस्म दर्द की कैफियत में सुन हो चुका था और मेरी जबान पे सिर्फ यही निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा हुआ कि जब हम बॉडी लेके जा रहे थे तो गांव में जिस वक्त एम्बुलेंस खोली, हम लोग, मैं, अम्मी, मेरी खाला थी, बहन थी, हम लोग वहीं पे अंदर ही बैठे हुए थे। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो हमारे चचा, ताया, इस तरह से मर्द हजरात, तो वो एकदम आए और बड़े ऊंची आवाज़ में रोने लगे। तो आप मेहर यकीन नहीं करेंगी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं खुद भी आज हैरान होती हूँ कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा बिल्कुल खामोश हो जाए, ऐसी अंदर से आवाज़, अंदर से आवाज़, मुझे नहीं पता, मैंने सोचा हुआ नहीं, मैंने कहा बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए, ये बदर या करबला का शहीद आ रहा है, ये हुसैनी शहादत, ये शब्बीरी रस्म अदा करके आ रहा है, इसके लिए कोई नहीं रोए, आप रास्ता खाली कर दें, आगे से हट जाएं, इसको बड़े सुकून के साथ इसको जाने दें, ये मेरा बदर का शहीद है, ये मेरा करबला का शहीद है। और आप यकीन करें कि बाद में मुझसे, क्योंकि बहुत लोग बाहर से भी, फैमिली के बाहर से, दूर दूर से आए हुए थे जनाजे पर, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि क्या आप लोग शिया तो नहीं हैं, क्योंकि आप बार बार वो हुसैनी शहादत की बात कर रही थी। तो मुझे तब मैंने सोचा कि अच्छा, मुझसे ऐसी बातें भी मेरे मुंह से निकलती रही हैं। और मैं जब कहती थी कि दुआ करें, या मैं खुद दुआ करती थी, तो मेरे मुंह से यही निकलता था कि या अल्लाह मेरे भाई का रुतबा इसके साथियों समेत बदर और करबला के शहीदों के साथ करना। और मेरा पूरा इत्माद, पूरा यकीन, मेरा इत्तकाद है कि अल्लाह ताला के वादे सच्चे वादे होते हैं, और कोई ऐसा लफ्ज़ आप ज़बान से नहीं निकाल सकते। और अगर मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकले हैं तो इंशाल्लाह मेरे भाई का रुतबा उसके साथियों समेत बदर और करबला के शहीदों के साथ होगा इंशाल्लाह। आंटी, आपसे पूछना चाहूँगी कि तालिबान की एक वाहिद डिमांड ये थी कि साथ उनके साथी जो जंगजू हैं उनको छोड़ दिया जाए। आपके कभी किसी भी ऐसे पॉइंट में कभी दिल में ये ख्वाहिश अरमान जगा कि यार भेजो वो सात लोग वापस, मेरा बेटा वापस घर आए, कभी ये सोचा? मैं ये नहीं सोच रही थी कि उसके बदले कोई डिमांड जो है उसकी, उनकी पूरी हो। मुझे बस ये थी कि मेरा बेटा एक दफ़ा जैसे मेरे साथ मिट के गया था, उसी तरह आए और मेरे साथ मिले। किस तरह मिल के गए? जब वो गए उस बात, तो पहले अंदर मेरे साथ मिला है, गले लगाया मुझे और प्यार किया मैंने उससे, मेरे का नजम सारा अपना मेरे दिल के साथ लगाओ, तो फिर सारा उसने लगाया मेरे साथ, फिर मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर मैंने उसे प्यार दिया, उसने फिर मेरे मुँह पर प्यार दिया। ऑपरेशन रूज पर था, आपके दिल पर क्या गुजर रही थी कि नजम इन द हार्ट ऑफ ऑल दिस बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उधर ही ऑपरेशन कर रहा है, और वो 22 दिन कैसे गुजरे आप पे? मैं ना नजम जब स्वात गया है ना, तो जिस दिन स्वात गया है 3 महीने के लिए गया था, तो उस दिन रात को मुझे नजम ने अपने पास बिठाया है और गले लगा के कहता है, अम्मी मैं स्वात जा रहा हूँ तो मैं शहीद हो जाऊँगा, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, आपने रोना नहीं है। चार हमारे जवानों को पकड़ा था ना, तो बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं रो रो कर अल्लाह मियाँ के आगे दुआएं की कि एक दफ़ा हमारा मेरा बेटा आ जाए तो हमारे साथ आके मिले, बस अल्लाह का हुक्म था तो उसने शहीद होना था। क्यों इनकार किया पहले? क्योंकि मुझे पता था कि वो SSG बहुत ख़तरनाक उसके टास्क होते हैं और हमेशा दुश्मन के एरिए में जाते हैं, मुझे इतना तो पता था। तो मैंने कहा जहाँ हो, कहते नहीं, बहन को कहते हैं दूसरे कमरे में जाकर अगर अबू ने इजाज़त ना दी तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। यानी इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी, इतना शौक था। तो उनकी माँ कहती हैं कि जब मैं कमरे में गई तो मुझे अपनी दो चार चीज़ें, घड़ी, चैन वगैरह दिया कि अम्मी जान ये निशानी रखे, आपने हमेशा मेरे लिए दुआ की है और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला स्वात में लड़ाई के दौरान अल्लाह ताला मुझे शहादत दे। जब सुबह जाने लगे, मुझे नहीं पता है, 10 बजे जाने लगे तो माँ कहती है कि बेटा अब छुट्टी कब आओगे? तो बेटा अंस कर कहते हैं, अम्मी जान आपने फिर मेरे लिए दुआ नहीं की, अब मैं छुट्टी नहीं आऊँगा, मैं सब्ज़ परचम में आऊँगा। और जब हमें तक मैं वसालत के बुलाया, वहाँ एक ब्रिगेड साहब अनाउंसमेंट कर रहे थे GHQ में, हज़ारों के हिसाब से लोग थे, तो इनका जब नाम आया, माँ को पकारा गया अवार्ड लेने के लिए, तो वो ब्रिगेड साहब कहते हैं
कि 7 मिशन पर नजम कामयाब लौटा, 8वें पर ये अरेस्ट हो गए। इस जैसा बहादुर न आर्मी में पहले आया है न बाद में आया। जी आप तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे पूछा कि भाजी आप लोग कब आएंगे, तो मैंने उसे कहा कि नजम यहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है, मेरी अपनी जॉब है, बच्चों की एजुकेशन है, तो ऐसा करो कि बाजी को कोई रीज़न दो। तो मुझे कहते हैं कि रीज़न से आपका क्या मतलब है। मैंने कहा शादी करो तो मैं आ जाती हूँ। तो जो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे वो ये थे कि आप शादी करके क्या करना है, अब तो उम्र हो गई है। जब उसने ये कहा तो आप यकीन करें मैं बहन हूँ उसकी, काफ़ी छोटा था मुझसे, मुझे ऐसे लगा जैसे आपके दिल में कोई नेजा उतार देता है। मैंने सोचा वो कौन सा दिन होगा जब मैं जाऊंगी और उसको मैं इस यूनिफॉर्म में देखूंगी, और इतने साल मैं इंतजार कर रही थी, 4 साल और 1 माह के बाद मैंने अपने भाई को देखा है, तो उस कॉफिन में लेटे हुए। और जब मैं उससे मिली थी लास्ट टाइम 2005 में, तब उसके चेहरे पे बचपना होता था, ऐसे जैसे नौजवान होते हैं आम से, यंग से, और हंसते खेलते, इस तरह का मैंने उसे देखा था। और जिस दिन मैं आई हूँ और मैंने नजम की पिक्चर्स देखी हैं, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, मूंछें, उनके बाल, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे पता नहीं था मेरा भाई इतना शेर जवान निकलेगा, इतना हैंडसम होगा। ये बताया गया कि नजम को गोली लगी है। ठीक, मैंने जब सुना तो पता नहीं मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया, मैंने सोचा 6 फुट और 3 इंच का मेरा भाई है और सिर्फ एक गोली से इस दुनिया से चला गया है। तो ऐसे मेरे दिल ने किया कि नहीं, मेरा भाई ऐसे नहीं जा सकता। और आप यकीन करें जब बताया गया कि उसको 30 से ज़्यादा गोलियां लगी हैं, तो मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकला था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई नजम ने वतन के लिए जान दी, इस वतन की मिट्टी के अंदर मेरे भाई का लहू शामिल हो गया है, और पाकिस्तान मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, और मुझे भी अगर जान देनी पड़े पाकिस्तान के लिए तो मैं कभी पीछे ना हटूं। जिस तरह से मेरे भाई ने पाकिस्तान के लिए जान दी, मैं भी इसी तरह जान दूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर सिम मचलती किरणों के अफजू ने शब गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, ये या बस में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। लेफ्टिनेंट मलिक फैज सुल्तान अवान शहीद कौन थे, ये शायद मैं तो आपको ना समझा सकूं, मगर पिंडी के इस छोटे से घर में जिधर उनकी 3 बहनें अपने भाई को आज तक याद रखती हैं, और उनके 2 माँ बाप दोनों जो अभी तक नहीं भुलाए उस चीफ को कि जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़े होके मैं चीफ अवामी स्टाफ बनूँगा। आप एक ऐसी शख्सियत अभी बताए जा रहे हैं कि जो लिखने में पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते थे, तारीख से बड़ी दिलचस्पी रखते थे, और कुछ ऐसी आपकी बातें लिखी गई हैं आपकी डायरीज़ के अंदर जो अगर आज खोली जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपका क्या विजन था आने वाले दिनों के लिए। कितने साल के थे आपके बेटे? 22 साल 8 माह। 22 साल 8 माह के, और बचपन से ये सोचा करते थे कि मैंने ये बनना है, मैं पाकिस्तान को इधर देखता हूँ, ये तसव्वुरात बचपन से ही थे? बचपन से उसकी चीज़ से, वो बचपन में 14 अगस्त मनाया करता था, और जब 14 अगस्त के नज़दीक आते थे दिन, तो वो शुरू हो जाता था झंडियाँ इकट्ठी करना, झंडियाँ पूरा घर को झंडियों से सजाता था, जब भी वो झंडियाँ लगा लेता था, सब कुछ कर लेता था, उसकी ख्वाहिश होती थी कि अगर मुल्क झंडा दे तो फिर
मुल्क झंडा दे बंदे को तब मजा है, और वो अल्लाह की जात ने उसको झंडा दिया है, वो झंडा लेके झंडे में लिपट के आया, झंडे में दफन हुआ है और झंडा उसकी कब्र पे लहरा रहा है। मुझे मुझे लग रहा है कि आप सबसे करीबी बहन थी उनकी, बस मुझे आपकी बातों से और आपकी आंखों में एक एहसास जो है वो तस्वीरें देख के किताबें पकड़ के मुझे नो ऑफेंस लग रहा है, मुझे अभी आपको भी मौका मिलेगा। ये कहते हैं बचपन से ही उसे पता था, बचपन से एक एक ये ख्वाहिश भी थी कि झंडा हो मेरे ऊपर मुझे भी मिले, और दूसरी ये बात कि बचपन से शऊर बहुत था। हमें उनकी लिखने लिखाने से किस तरह ये हमें पता चल सकता है कि बचपन से शऊर था नन्ही उम्र से पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, कुछ दिखा सकती हो? उन्होंने ना 10th क्लास में वो पढ़ते थे मिलिट्री कॉलेज जेलम में, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था लहू की रोशनी, वो उस आर्टिकल से देख के पता चल जाता है। इतनी बड़ी कैलिबर का राइटिंग एक्सप्रेशन बड़े बड़े राइटर्स में नहीं आता जो उस दौर में उतनी छोटी सी उम्र में 10th क्लास में उसमें था। और उसने एक डायरी लिखी है जो पब्लिश हो चुकी है, और ये डायरी हम ओपन करें तो फ्रंट पे शुरू में एक लाइन लिखी जाती है, वी डाई सो यू मे लिव। यहाँ से पता चल जाता है कि उसको कब से पता है कि हम जान देते हैं कि तुम जिंदा रह सको, कहाँ ये पता चल जाता है कि उसे कब से पता है कि वो शहीद हो जाएगा। इस डायरी में आगे चल के एक जगह पे वो लिखते हैं कि हम जागते हैं सरहदों पे मुल्क चैन की नींद सोता है, और जब हम अपनी नींद सोते हैं मुल्क हम पे फख्र करता है। तो इसमें वो ये कहता है कि अगर मैं हारता हूँ आज, अगर आज मेरे हौसला पस्त होता है और मैं मैदानी जंग से भागता हूँ और अपनी ज़िंदगी को बचाता हूँ, मुल्क को नहीं बचाता हूँ, तो इस वक्त मेरे मातहतों का जो है उनका नशेमन उजड़ जाएगा और मेरी तनख्वाह हिलाल नहीं होगी और मेरी यूनिट की बदनामी होगी, मैं फौज की बदनामी का बायस बनूंगा। अब फिर लास्ट में वो लिखते हैं, अब बात मेरी जात से बालातर हो गई है, इसके लिए मैं क्या करूं। लास्ट में वो उनकी एक नज़्म है, हाँ मुझे पढ़ के सुना दें प्लीज। मेरी अपनी जात से बात बालातर हो चुकी है, इसके लिए मैं क्या करूं, मेरी समझ बूझ से बुलंद है, मेरी जात तक का जो खौफ था वो किसी के बायस तो चला गया, अब वो जो बोझ आन पड़ा है अब इसे कैसे मैं उठाऊंगा, मेरा अज़्म तो जवां है मेरा हौसला मगर पस्त है, मुझे कुछ नहीं खौफ सिर्फ शिकत से है, अब की बार जो मैं डर गया तो अकेला नहीं मैं मर गया, मुझ समेत सभी का चमन तो उजड़ गया, तुझसे और कुछ नहीं मैं मांगता, मजबूत मुझे आसाब दे, शर को मुझसे मात दे, खौफ से मुझे निजात दे। ये आखिरी एंट्री है, आखिरी एंट्री है, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। यहाँ सारी रात छोटे बड़े हथियारों की फायरिंग होती रही है, इसी आवाज़ में नींद आ जाती है और सो जाते हैं, मौसम में खुनकी है और गर्मी का एहसास दोपहर के अलावा नहीं होता, अब भी फायरिंग हो रही है जो वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। ये मेरे भाई की लास्ट एंट्री है उनकी शहादत से कब। और इवन 2007 में पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और हम 5 बहन भाई हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न हमें पाकिस्तान से, बहुत रोए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इस तरह से नहीं देख सकते। तो मैंने भाई को कॉल की, 2007 की बात कर रही हूँ जब बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, मैंने भाई से कहा कि मुझे गारंटी दो, मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस तरह से, मुझे लगता है मैं पढ़ती रह जाऊँगी और मेरे पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा, तुम मुझे गारंटी दो मेरे वतन को कुछ नहीं होगा। तो उसने मुझे कहा था कि याद रखना सोनिया, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जब तक एक भी सिपाही मौजूद है पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। हम सारे बहन भाई थे तो बातें हो रही थी, तो बीच में हमें कहते हैं तुम लोगों को पता है जब हज़रत कायद अज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला उनसे क्या कहेंगे। हमने कहा हमें तो नहीं पता, आप बता दें। वो कहते हैं वो कहेंगे, अल्लाह ताला उनसे कहेंगे हज़रत कायद अज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह से वेल डन जना। तो अगर हम में से कोई जाता, हम बहन भाइयों की तरफ इशारा करके कहता हम में से कोई जाता है तो चलो अल्लाह ताला इतना नहीं बोलता वेल डन फैज, इतना तो बोले वेल अटेम्प्ट फैज। आपको कैसा एहसास है फैज़ की माँ होने का? बच्चे आखिरी वक्त मेरा बेटा मेरे से जुदा होया, माँ क्या अम्मा जी एक फौजी दी बहू है, एक फौजी दी बीवी है, एक फौजी दी माँ है, परेशान नहीं आना और कोई ऐसी वैसी मेरी मेरे नाल गल हो जाए तो बर्दाश्त करना और सब्र दा पहाड़ बन जा। मैं हमेशा अपने बेटे पाक दुध दे वाला, जिस वक्त वो घर आंदा है हर काम में मेरा साथ देता है, हमेशा खाना थले बह के खाना और आखिरी प्लेट में थोड़ा पानी पा के उसको फेर के पी लेना, और जिस वक्त भी उसकी गल होनी तो आखना अम्मा जी अल्लाह करम करे सी, अल्लाह करम करने वाला, अपने रब आ उस हर गल ना याद रखिया, रब तो बगैर उस गल नहीं की, बहुत काबुल आया। आपको खबर कब मिली? राती 11 बजे टेलीफोन किया और हंस का हमेशा गल करता है, बिल्कुल परेशान ना है। अम्मी जी मैं सुबह अगर चला जाना 3 दिन वास्ते,
मैंने 3 दिन गल नहीं होनी और मैं क्या बच्चे माँ खबर के कौन मिल सी। फैज़ कैसे शहीद हुए थे? एक ऑपरेशन था शेर दे, उसके बीच में ये प्लटून लेके गया अपनी एक इसको एक टेकरी फतह करनी थी। जब इसने वो टेकरी फतह कर ली तो जो इसके साथ दूसरी एक प्लटून आई थी वो जिस टेकरी पे जा रही थी उसके ऊपर दुश्मन ज़्यादा था। ये फिर अपनी टेकरी फतह करने के बाद उसकी मदद के लिए गया, वहाँ उसने की। जब ये इन्होंने अपना इलाका ले लिया तो एक जगह से और फायर आया आगे एक पोस्ट से, तो इसने फिर उस पोस्ट पे जाने का फैसला किया। तो इसके साथ टोटल 5 लड़के और डिटेल हुए। ये फिर जो वॉलेंटियर हुए उनसे जो लोग थके हुए थे, जून का महीना था तो ये उधर जा रहा था, इसके पास ग्रेनेड और अपनी राइफल इसने लेके आगे आगे था तो ये जा रहा था। जैसे मुझे उस वक्त कर्नल इकबाल जो उस वक्त कोर में बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे पहली इतला दी, उन्होंने कहा जी कि ये उन पर बढ़ रहा था और आगे से चूँकि वो फायर कर रहे थे तो इसने 22 गोलियाँ छाती में खाई और इसने 5 ग्रेनेड उनके मोर्चे पे फेंके जिससे वो 35 तालिबान जो है वो मुर्दार हुए और एक फैज शहीद हुआ। कि उसने एक तस्वीर लगाई है जिसके ऊपर जनरल न्याजी और जनरल अरोड़ा की तस्वीर है जब जनरल न्याजी ने पिस्टल दिया है और इसने अपने मुल्क और कौम के लिए कहा है कि सबसे बुरा दिन सबसे बुरा वक्त इसको लिखा है। मैं हमेशा चाहती थी हम सब बल्कि कि वो फतह याब होकर लौटे। हमेशा मैंने सूरतुल फतह पढ़ के अपने भाई के लिए एक ही दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे भाई को फतह दे, कामयाबी दे और सुरखरू अता कर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐ मेरे मालिक, मेरे जो भाई आज अपने घरों से दूर बॉर्डर्स पे एजेंसियों में हमारी बका के लिए हमारी इज्जतों की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनको फतह याब कर। ऐ अल्लाह मेरे भाई से रिलेटेड मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, लेकिन मेरी दूसरी ख्वाहिश को पूरा फरमा कि उसको निशाने हैदर मिले। आमीन।